दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टैक गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं मी वी डियोपॉड्स F40 वर्सेस ट्रू बर्ड्स F1 के बारे में। इन दोनों डियोपॉड्स और बर्ड्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा डियोपॉड्स बेस्ट होता है या बर्ड्स बेस्ट होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट गेमिंग बर्ड्स या डियोपॉड्स कौन सा लेना चाहिए और आपको नॉर्मल यूज के लिए कौन सा बर्ड्स या डियोपॉड्स लेना चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें इन दोनों डियोपॉड्स और बर्ड्स के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो केसिंग की अगर बात करें तो केसिंग के डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखने के बारे में बात करें तो मीवी डियोपॉड्स F40 यहाँ पे आपको मोल्ड मेटेलिक शेड में देखने को मिल जाएगा, जबकि ट्रू बर्ड्स F1 यहाँ पे आपको प्लास्टिक पॉलीमर के देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों यहाँ पे आपको प्लास्टिक पॉलीमर के देखने को मिलने वाले, बस यहाँ पे आपको मीवी डियोपॉड्स देखने में यहाँ पे आपको मेटल सेट का लगेगा, जिसकी वजह से ये काफी प्रीमियम होने वाला है। फ्रेंड्स बात करें इन दोनों डियोपॉड्स और बर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो मीवी डियोपॉड्स F40 में आपको 13 mm का इलेक्ट्रो ड्राइवर यूज हुआ है, साथ ही साथ में ENC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट जो है मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ इसमें आपको डुअल माइक का सपोर्ट जो है दिया गया है। ट्रू बर्ड्स F1 में आपको 6 mm का कंपोजिट ड्राइवर देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको ENC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट इस बर्ड्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको डुअल माइक का सपोर्ट जो है दिया गया। जबकि वहीं पे बात करें इनके लेटेंसी के बारे में, तो मीवी डियोपॉड्स F40 की लेटेंसी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे आपको काफी लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप गेमिंग का एक्सपीरियंस का मजा भी ले सकते हो। जबकि ट्रू बर्ड्स F1 में आपको 55 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको गेमिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और यहाँ पे लैग फ्री बहुत ही कम यहाँ पे हो जाएगा, और उसी के साथ साथ इसमें आपको SBC और AAC कोडेक का भी सपोर्ट जो है दिया गया है। फ्रेंड्स बात करें इन दोनों डियोपॉड्स और बर्ड्स के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मीवी डियोपॉड्स F40 में आपको 50+ hours का प्ले टाइम बैकअप जो है दिया गया, और वहीं पे अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज कर देते हो तो यहाँ पे आपको 8.5 hours का प्ले टाइम बैकअप मिल जाएगा। जबकि ट्रू बर्ड्स F1 में भी आपको 48 hours का प्ले टाइम बैकअप जो है दिया गया, और इसको भी अगर आप 10 मिनट चार्ज कर दोगे तो इसमें भी आपको 7 से 8 hours का बैकअप मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप को देखा जाए तो बैटरी बैकअप में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो मीवी डियोपॉड्स F40 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट जो है दिया गया, जबकि ट्रू बर्ड्स F1 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट जो है दिया गया, और इन दोनों बर्ड्स और डियोपॉड्स में आपको USB टाइप सी का सपोर्ट जो है दिया गया, साथ ही साथ में इंस्टा पेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिस वजह से आपका बर्ड्स और डियोपॉड्स आपके डिवाइस के साथ इंस्टेंट पेयर हो जाएगा, और उसी के साथ साथ इन दोनों बर्ड्स और डियोपॉड्स में आपको वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट जो है दिया गया, यानी कि गूगल के साथ साथ सीरी को इजीली आप सिंगल टैप पे एक्सेस कर सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वाटर रेजिस्टेंस में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इन दोनों बर्ड्स और डियोपॉड्स में आपको IPX4 रेटिंग वाटर रेजिस्ट का सपोर्ट जो है मिल जाएगा। सो फ्रेंड ये कुछ स्पेसिफिकेशन रहा इसी मीवी डियोपॉड्स F40 और ट्रू बर्ड्स F1 का। अब प्राइस सेगमेंट को डिस्कस किया जाए तो मीवी डियोपॉड्स F40 की प्राइस होने वाली है 999 rupees। कल 7 June है और कल ये लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट पे 12 बजे, तो आप उस टाइम इसको चेकआउट कर सकते हो। जबकि ट्रू बर्ड्स F1 लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस 899 rupees थी, लेकिन अभी बढ़कर ये 1200 rupees हो चुकी है। अगर आप परचेस करना चाहोगे तो दोनों बर्ड्स आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन देखा जाए बेस्ट गेमिंग के लिए तो ट्रू बर्ड्स F1 यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला, क्योंकि इसमें 6 mm का ड्राइवर तो यूज हुआ है, लेकिन इसमें आपको 55 ms की लो लेटेंसी का सपोर्ट दिया गया, जिसकी वजह से काफी लैग फ्री गेमिंग का मजा ले सकते हो। तो अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हो तो आप ट्रू बर्ड्स F1 को परचेस कर सकते हो। बाकी अगर नॉर्मल यूज के लिए चाहते हो, आप थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गेमिंग भी कर लोगे और नॉर्मल यूज के लिए चाहते हो, तो मीवी डियोपॉड्स F40 भी आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप जो भी परचेस करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना आप कौन सा परचेस कर रहे हो या कौन सा कलर आपको पसंद आता है। बाकी आपके ऊपर है कि आपका बजट कितना है। बाकी दोनों की प्राइस यहाँ पे सेम होने वाली है, लेकिन जब ये लॉन्च होता है तब सेम प्राइस होती है, लेकिन लॉन्च के बाद इनकी प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर दी जाती है। तो अगर आप सस्ते में 899 rupees में ट्रू बर्ड्स F1 पा जाते हो तो ये काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप इसी को परचेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको 1200 rupees मिल रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाएगा, जब ऑफर आएगा तो ये थोड़ा सा इसकी प्राइस डाउन जाएगी, तब आप इसको परचेस कर लीजिए।
लेकिन अगर आप जल्दी में वो परचेस करना चाहते हो तो मी वीडियो पॉड्स भी परचेस कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा पॉड्स या बर्ड्स जो है बेस्ट होने वाला। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ने अनबॉक्सिंग टेक टिप्स में, तब तक के लिए।